नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। नरसुलागंज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र बुधनी के नरसुलागंज में आम आदमी पार्टी ने दी दस्तक। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी के सिंह बघेल एवं आम यूथ प्रदेश प्रवक्ता विमलेश आरबी द्वारा आज नरसुलागंज में कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। वहीं केकेआर न्यूज से बात करते हुए बताया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में शानदार जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में सभी चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आज प्रेम नारायण पटेल, निर्भय सिंह कुशवाहा, डॉक्टर राकेश धनवारी, मनीष बाकरिया आदि ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और विश्वास दिलाया है कि हम आदमी पार्टी के लिए तन मन और धन से काम करेंगे। नरसुलागंज से चांदनिया की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर कृष्णपाल सिंह बघेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ अभी। आज आप मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ कारवा है जो आज पंजाब से होते हुए मध्य प्रदेश और हम सीहोर ज़िले में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा सीहोर में खड़े हैं, नरसुलागंज में हैं अभी जी। और यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और अभी जिस प्रकार पंजाब में लहर आई है आम आदमी पार्टी की, उससे हमारे मामा भी डरे हुए हैं। उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं नीचे नीचे मध्य प्रदेश में भी झाड़ू ना लग जाए, इसलिए वो अपने आप को बुलडोजर मामा कहलवाने पे लगे हुए। तो आगामी ग्राम पंचायत नगर पालिका चुनाव लड़ेगी आप आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय, ग्रामीण, जनपद, पंचायत, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ लड़ रही है मध्य प्रदेश में। ये चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अभी संगठन बूथ बूथ तक बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।